Students, welcome to Inside Biology classes. I am Dr. Shilpi Kumari. Today I will going to discuss about the taxonomical aids. But before going to the main topic, first topic में हमने cover किया था the living world, in which हम लोगों ने क्या-क्या देखा, what is living things, what are their characteristic features, and what are the basic differences between the living and the non-living things. I had discussed in my second video lecture, जिसमें biodiversity के ऊपर हमने बात की थी. बायोडाइवर्सिटी क्या है, टैक्सोनॉमिकल एनालिसिस हम कैसे कर सकते हैं, किस तरीके से आप क्लासिफिकेशन के प्रोसेस को फॉलो करते हैं, एंड क्या क्या चीज रिक्वायर्ड होता है, आइडेंटिफिकेशन, नोमेनक्लेचर, कैरेक्टराइजेशन, बहुत सारी उसके जो डिफरेंट स्टेप्स हैं वो सारे स्टेप्स हमने देखे थे. साथ ही साथ टैक्सोनॉमिक कैटेगरी के बारे में जाना था, उसमें लोएस्ट कैटेगरी क्या है, हाईएस्ट कैटेगरी क्या है, इसके साथ बायनोमियल नोमेनक्लेचर के बारे में समझा था और बहुत डिटेल में समझा था. बहुत सारे एग्जांपल्स डिस्कस किए थे जो कि डेफिनेटली आपको याद तो हो ही गए होंगे और वो बहुत जरूरी भी है. जैसे जैसे जो जो टॉपिक में जितने भी नेम्स प्लांट्स एनिमल्स माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के आते जाते हैं, आप उसको उसके साइंटिफिक नेम को माइंड में जरूर रखिए, क्योंकि साइंटिफिक नेम से बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं. ओके, उसके बाद हमने डिस्कस किया था डोमेन कॉन्सेप्ट के बारे में, समझा था कि डोमेन क्या है, फाइलोजेनी को समझा था. तो इतनी सारी बातें, क्योंकि वो जो सेकेंड लेक्चर था वो काफी इंफॉर्मेटिव था. जिन स्टूडेंट्स ने मेरे सेकेंड या फर्स्ट लेक्चर को नहीं देखा है, इस लेक्चर को देखिए, इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ऑलरेडी दे दिया है, क्योंकि ये सारे के सारे लेक्चर एक दूसरे से कनेक्टेड है. टॉपिक सेम है, द लिविंग वर्ल्ड, बट फर्स्ट लेक्चर में जो भी बातें मैंने बताई हैं वो रिलेटेड है सेकेंड लेक्चर से, और सेकेंड के बाद आज हमारा ये थर्ड लेक्चर है और जिसमें हम बात करेंगे अबाउट द टैक्सोनॉमिकल एड्स. स्टूडेंट्स, आप इन वीडियो को ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें ताकि इसका बेनिफिट उन्हें भी मिल पाए. ठीक है, सो इसी उम्मीद के साथ हम आगे बढ़ते हैं. आज का हमारा टॉपिक टैक्सोनॉमिकल एड्स. पहले स्टार्ट करने से पहले एक बात मैं पूछना चाहूंगी, एड्स का मीनिंग क्या है, क्या समझते हैं एड्स के बारे में. लेट्स सपोज अगर मैं कुछ लिखना चाहूं तो लिखने के लिए हमें क्या चाहिए, एक पेन या पेंसिल चाहिए. तो यहाँ पे पेन और पेंसिल राइटिंग के लिए ये एड्स हो गए ना, यानी आपके राइटिंग में ये हेल्पफुल होंगे, हेल्प करेंगे, लिखने में हेल्प करेंगे. बिल्कुल यही कॉन्सेप्ट टैक्सोनॉमिकल एड्स में भी आता है. एड्स मींस हेल्पिंग टूल्स. सो टैक्सोनॉमिकल टूल्स आर बेसिकली सेड टू बी द टैक्सोनॉमिकल एड्स. सो लेट्स सी, अ टैक्सोनॉमिकल स्टडी ऑफ द स्पीशीज इज यूज्ड इन वेरियस फील्ड लाइक द एग्रीकल्चर इंडस्ट्री फॉरेस्ट्री एंड इट हेल्प अस टू नो अबाउट आवर बायोडाइवर्सिटी. ये जितने भी ऑर्गेनिजम्स, जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स इस अर्थ पे प्रेजेंट हैं, बायो लाइफ डाइवर्सिटी वेरिएशन, हमारे अर्थ पे डिफरेंट काइंड्स ऑफ स्पीशीज हैं, जो हमने लास्ट क्लास में भी डिस्कस किया था, मोर देन 1.7 टू 1.8 मिलियन स्पीशीज प्रेजेंट हैं. तो इतने सारे स्पीशीज का जो क्लासिफिकेशन है, जो टैक्सोनॉमी है, उसको हम कैसे जानेंगे. तो जानने के लिए जो हेल्पिंग टूल्स हमें चाहिए, जो हेल्पिंग टूल्स मिलता है, दैट इज सेड टू बी द टैक्सोनॉमिकल एड्स, व्हिच हेल्प अस टू नो अबाउट द बायोडाइवर्सिटी. सो टैक्सोनॉमिकल एड्स आर टेक्निक्स, प्रोसीजर एंड स्टोर्ड इंफॉर्मेशन दैट हेल्प्स बायोलॉजिस्ट इन आइडेंटिफिकेशन एंड क्लासिफिकेशन ऑफ द ऑर्गेनिजम्स. A specimen is the real object to identify the organism. अब ये taxonomical aids को समझने के लिए entirely जितने भी taxonomical tools हैं, उसको we can classify into the two different group on the basis of presence or absence of a specimen. Now the question is, what is a specimen? A specimen क्या है? So a specimen is the real object टू आइडेंटिफाई द ऑर्गेनिज्म, यानी किसी ऑर्गेनिज्म को आइडेंटिफाई करने के लिए जो रियल ऑब्जेक्ट नीडेड होता है, दैट इज सेड टू बी द स्पेसिमेन. टाइप्स ऑफ स्पेसिमेन बात करें तो वेरियस टाइप्स ऑफ स्पेसिमेन्स आर फाउंड. फर्स्ट इज होलोटाइप. होलोटाइप, होलोटाइप मीन्स कंप्लीट. सो द ओरिजिनल टाइप स्पेसिमेन फ्रॉम विच द डिस्क्रिप्शन ऑफ अ न्यू स्पीसीज इज एस्टैब्लिश्ड
is said to be the holotype. Isotype. Iso means same. Duplicate of the holotype as another branch of the same tree. एक कोई ट्री है और उस ट्री के डिफरेंट ब्रांचेस हैं. एक ब्रांच और ये दूसरा ब्रांच, तो यहाँ पे ये दोनों ब्रांच आपस में क्या है? आइसोटाइप, सेम टाइप के. आइसो मीन सेम, सेम टाइप ऑफ स्पेसिमेन इज सेड टू बी द आइसोटाइप. ओके, लेक्टोटाइप. Lectotype specimen selected from the original material to serve as a nomenclatural type where there is no holotype. जिसमें holotype नहीं है, तो that is lectotype. Neotype, new means new, new type of specimen. So the new nomenclature type when the original type is missing. That is said to be the neotype. Paratype, any other specimen described along with the holotype is said to be the paratype. Syntype, syntype, syn means jointly. Any of the two or the more specimens cited by an author when there is no holotype is said to be the syntype. अब ये आपके medical entrance में पूछा हुआ question है. Types of specimens से related, जैसे neotype के regarding पूछा जाता है, या फिर किसमें holotype के साथ जो स्पेसिमेन का टाइप होता है वो क्या होता है? पैराटाइप होता है. एनी अदर स्पेसिमेन डिस्क्राइब्ड अलोंग विद द होलोटाइप दैट इज सेड टू बी द पैराटाइप. तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है. आप इसके डिफरेंट टाइप्स को जरूर याद कर लीजिएगा, रख लीजिएगा माइंड में, क्योंकि ये आपको बहुत ही काम आएगा. साथ ही साथ एनसीईआरटी में जितनी बातें बताई गई है वो सारा मैं डिस्कस कर रही हूँ, लेकिन उसके बियॉन्ड भी है और वो भी जरूरी है. इसीलिए बार बार मैं आपको बताती हूँ कि सिर्फ एनसीईआरटी ही नहीं, एनसीईआरटी के बियॉन्ड भी आपकी तैयारी होनी चाहिए. ठीक है. सो नाउ कम टू द डिफरेंट टाइप्स ऑफ टैक्सोनॉमिकल एड्स ऑन द बेसिस ऑफ द स्पेसिमेन दैट इज. अगर हम स्पेसिमेन के बेसिस पे टैक्सोनॉमिकल टूल्स के बारे में बात करें तो वो टूल्स क्या होंगे? Let's see. With the help of specimen, taxonomical tools are herbarium, botanical garden, museum, geological park and keys. Without a specimen, अगर हम बात करें taxonomical aids की या taxonomical tools की, तो उसमें हम लोग देखेंगे कि वो flora होता है, manual होता है, मोनोग्राफ होता है और ये कैटलॉग होते हैं. टैक्सोनॉमिकल एड्स और द टैक्सोनॉमिकल टूल्स ऑन द बेसिस ऑफ विद द हेल्प ऑफ स्पेसिमेन द टैक्सोनॉमिकल टूल्स आर हर्बेरियम, बोटैनिकल गार्डन, म्यूजियम, जूलॉजिकल पार्क, कीज. वेयर एज टैक्सोनॉमिकल एड्स और द टूल्स विदाउट स्पेसिमेन फ्लोरा, मैनुअल, मोनोग्राफ, कैटलॉग्स. क्लियर. Now let's see one by one. What is herbarium? It is a storehouse. Something is a store here. But kya? Kise hum store karenge? To agar wo house jahan kuch store karte hain, to usko hum repository kehte hain. So it is a storehouse or the repository of collected plant specimen that are dried, pressed and preserved on seeds. And are arranged according to universally accepted classification system. Okay? तो यहाँ पे ये एक ऐसा हाउस है जहां पे सीट में प्लांट्स को ड्राइव करके या उसको प्रेस करके प्रिजर्व करके रखा जाता है उस प्लेस में. सो दैट ये उन सारी चीजों का रिपोजिटरी हाउस है. ठीक है, कलेक्शन ऑफ द प्लांट स्पेसिमेन का. The herbarium seeds are labeled with information about date and place of collection, English, local and botanical names, family, collector's name, etc. So, herbarium seed पे क्या होता है? वो well labeled होता है. उसमें सारे informations होते हैं, कोई particular plant जिसे dry करके, press करके रखा गया है. तो उसके बारे में सारा detailed information होगा. वो informations क्या होंगे? वो होगा उसका local name, English name, scientific name means botanical names. Then किसने इसे search किया, किसने इसको collect किया, तो collectors का नाम भी होगा. तो ये सारे information, detailed information, उसकी family, उस particular plant के family का नाम, सारा का सारा description उस seed में mention होगा उसके साथ. So these specimen along with their description on herbarium seeds becomes a storehouse or the repository. So ये सारे specimen
डिस्क्रिप्शन के साथ हर्बेरियम में स्टोर हाउस में प्लेस्ड होते हैं, तो उसको रिपोजिटरी हाउस कह दिए। ठीक है, अ प्रोफेसर ऑफ बॉटनी लुका गिनी सेट अप द फर्स्ट हर्बेरियम इन पीसा इन इटली। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, सबसे पहले फर्स्ट हर्बेरियम को एस्टेब्लिश करने वाले जो प्रोफेसर थे वो बॉटनी के थे और उनका नाम था लुका गिनी एट पीसा इन इटली। लेट्स सी हियर, फर्स्ट वन इज हर्बेरियम सीट। बिल्कुल इस तरह का ये सीट होता है जिसपे प्लांट्स के पार्ट को या प्लांट्स को ड्राई करके प्रेस करके उसपे रखा जाता है। नेक्स्ट, दिस इज द स्टोर हाउस, जो मैं रिपोजिटरी की बात कर रही थी कि एक वो हाउस होता है जहां पे डॉक्यूमेंटेशन के फॉर्म में ये सारे इंफॉर्मेशन को प्लेस किया जाता है, यानी हर्बेरियम सीड्स वहां पे डॉक्यूमेंटेड रहते हैं, रखा जाता है, उसमें सारा डिटेल्ड इंफॉर्मेशन होता है उस पर्टिकुलर प्लांट का, उसके लोकल नेम, इंग्लिश नेम, साइंटिफिक नेम, किसने कलेक्ट किया, फैमिली नेम, ऑल दैट इंफॉर्मेशन आर प्रेजेंट दैट पर्टिकुलर सीड, इन दैट पर्टिकुलर सीड। ओके, सो दिस इज बेसिकली द स्टोर हाउस। नाउ नेक्स्ट इज हर्बेरियम सीड्स आर लेबल्ड विद इंफॉर्मेशन। जितने इंफॉर्मेशन के बारे में आपको मैंने बताया वो सारे एक सीड में मेंशन होते हैं। लेट्स सी, दिस इज द सीड जहां पे ये प्लांट्स को ड्राई करके प्रेस करके रख दिया गया, साथ ही साथ इसके साथ एक शीट भी अटैच्ड होता है जिसमें सारे डिटेल इंफॉर्मेशन होते हैं, इसे कहाँ से कलेक्ट किया, किसने कलेक्ट किया, इस पर्टिकुलर प्लांट का नाम क्या है, लोकल नेम क्या है, व्हाट इज इंग्लिश नेम, व्हाट इज द बॉटनिकल और द साइंटिफिक नेम, फैमिली कौन सी है, वो सारे डिस्क्रिप्शन इस सीट में मेंशन होते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट द हर्बेरियम। आई थिंक कि अच्छे से समझ में आ गया होगा। नाउ नेक्स्ट इज बॉटनिकल गार्डन। ये भी स्पेसिमेन के हेल्प से एक टेक्सोनॉमिकल टूल है। ठीक है, सो बॉटनिकल गार्डन्स, द बॉटनिकल गार्डन्स इज अ प्लेस वेयर द प्लांट्स from various groups are grown for scientific study, conservation, public education, aesthetic and recreations. इनमें इसका use होता है। यानी botanical garden वो place है जहां plant को रखा जाता है various groups में और उसको just seek for their scientific study, conservation point of view से, public education के related recreations के लिए वहां पे plants को रखा जाता है। That is said to be the botanical garden। ठीक है, each plant is labeled with a botanical name and family। और जितने भी plants है वो botanical name और family के साथ placed होते हैं। So they usually house a library, laboratory, herbarium and museum. They also offer teaching and the training facilities. ये जितने भी आप देख रहे हैं basically ये एक तरह का usually a house a library, library की तरह काम आता है, laboratory purpose में काम आता है, herbarium and museum. They also offer the teaching and the training facility. यहाँ पे स्टूडेंट्स को टीच भी किया जाता है साथ ही साथ उन्हें ट्रेन भी किया जाता है। द गवर्नमेंट और द प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन द बॉटनिकल गार्डन। जितने भी गवर्नमेंट और प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस हैं, ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो बॉटनिकल गार्डन को टेक केयर करते हैं, यानी उसको मेंटेन करके रखते हैं। सो द गवर्नमेंट एंड प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन मेंटेन द बॉटनिकल गार्डन, क्योंकि इतना वैल्यूएबल चीज है तो उसे उसका मेंटेनेंस तो होना ही चाहिए। So let's see here some example of the botanical garden all over the world. Main botanical garden, Moscow, largest garden. The largest garden is the main botanical garden, which is situated in Moscow. The garden contains a rosarium with 20,000 rose bushes, a dendrarium, arboretum, an oak forest with the average age of the trees exceeding 100 years, a Japanese garden. Royal Botanical Garden Kew, England. ये बहुत ही popular है, लेकिन किस लिए popular है? तो rock garden, this is basically famous for the rock garden, bamboo garden, Victoria Lily Pond, Jordal Lab, Alpine House are basically the फेमस प्लेस इन दिस गार्डन। इस गार्डन का फेमस प्लेस ये सब है, इसलिए ये बहुत ज्यादा पॉपुलर है। नाउ नेक्स्ट इज बोटेनिकल गार्डन हावड़ा। ये हमारे इंडिया में है। सो इंडियन बोटेनिकल गार्डन हावड़ा
It is the largest and the oldest botanical garden of India and Asia. ये इंडिया का भी सबसे लार्जेस्ट और ओल्डेस्ट बॉटनिकल गार्डन है. सिर्फ इंडिया का ही नहीं, एशिया में सबसे लार्जेस्ट और ओल्डेस्ट बॉटनिकल गार्डन अगर है तो उसका नाम है बॉटनिकल गार्डन हावड़ा, इंडियन बॉटनिकल गार्डन हावड़ा. सो ये 250 इयर्स ओल्ड ग्रेट बेनियन ट्री इसका मेन अट्रैक्शन है. पाम हाउस, जेंट वॉटर लिली, विक्टोरिया रेजिया, इंडियन रबर ट्री, बैम्ब्यूसेटम, पाइनेटम and attractions of this. These are basically the attraction of this garden. National Botanical Research Institute, Lucknow. ये question medical में आया हुआ है. National Botanical Research Institute situated at where? At which place? Lucknow in India. Sikandar Bagh is a famous and the historic pleasure garden located in the ground of the institute. NBRI developed a new variety of the bougainvillea named Los Banos Variegata Jayanti. Now come to the museum. What is museum? Museum is a collection of preserved plants and animals for study and reference. Okay? A museum contains a specimen preserved in preservative solution in container or jar. Museum में जितने भी organisms को रखा जाता है, plants भी रहते हैं, animals भी होते हैं. Animals को जो रखा जाता है वो mostly formalin solutions, chemical में रखा जाता है. और वो chemical क्या है? Formalin solutions. कुछ को तो formalin solutions में रखा जाता है. Other preservatives भी used किए जाते हैं. ठीक है? So, plants and animal specimens are preserved as a dry specimen. Insects are preserved in insect box after collecting, killing and pin. Insect को insect box में place किया जाता है collection के तौर पे. लेकिन कैसे? तो सबसे पहले insect को collect करते हैं, फिर उसे kill करते हैं, फिर उसकी pinning होती है और फिर उसको insect box में place करके museum में रखा जाता है. Stuffed larger animals like the birds and mammals are also preserved. It also has collections of animal skeleton. और म्यूजियम में जितने भी जो अगर काफी बड़े ऑर्गेनिजम्स बड़े एनिमल्स हैं लाइक कोई मैमल है या बर्ड है तो उसको प्रिजर्व कैसे किया जाता है? उसको स्केलेटन के फॉर्म में प्रिजर्व किया जाता है. सो स्टफ्ड लार्जर एनिमल्स लाइक बर्ड्स एंड मैमल्स आर ऑल्सो प्रिजर्व्ड. It also has collections of animal skeleton. Let's see here some example of the museum all over the world. Natural History Museum, London. United States National Museum, Washington. Field Museum of Natural History, Chicago. National Museum, Andaman and Nicobar Island. National Museum of Natural History, situated in Delhi. Prince of Wales Museum, Mumbai. Indian Museum, Kolkata. Zoological Park or the zoos. These are the places where live wild animals are kept in protected environment under the human care. Yani Zoological Park, jaise hi mind mein ye naam aata hai, to matlab zoo. Aur ye kya hota hai? It is basically a place where live wild animals are kept in protected environments under the human care. So it enables to learn about their food habits and behavior. There are over 300 zoological gardens in India. So the fundamental object of any zoological park is to increase the public interest in the understanding of the wildlife. Ye aake, matlab, what is the fundamental purpose for the zoological park? तो इसका आंसर क्या होगा कि जितने भी जूलॉजिकल पार्क हैं इनका जो फंडामेंटल ऑब्जेक्ट है जूलॉजिकल पार्क का वो जस्ट टू इंक्रीज द पब्लिक इंटरेस्ट इन द अंडरस्टैंडिंग ऑफ द वाइल्ड लाइफ के लिए लोगों का रुझान बढ़े इसलिए लोग उसके बारे में जाने उसे समझे तो ये एक पर्पस है. Zoo also provides recreations and educations and is also involved in the preservation of the endangered animal. और zoological park में बहुत ऐसे भी species हैं जो कि about to extinct होने वाले हैं तो उसे हम endangered कहते हैं. तो ऐसे species को वहां पे सुरक्षित रखा गया है ताकि उनकी species बच जाए. So the prevention of the endangered animals also. Let's see here some example of the zoological park.
National Zoological Park, Delhi. It is one of the finest zoo of Asia. The Asiatic lion, Royal Bengal tiger, Indian rhinoceros, brown antlered deer, and the red jungle fowl are some of the endangered or the risk-bearing species that are bred in captivity for the biodiversity conservation here. ठीक है, endangered species को protect किया जा रहा है यहाँ. So next is Kruger National Park, which is situated at South Africa. Largest zoo of the world. Black rhinoceros, white rhinoceros, elephant, giraffe, lion, cheetah, and many more are the attraction of this park. Next is Padmasa Naidu Himalayan Zoological Park, Darjeeling. Largest high altitude pe ye zoo hamari country mein established hai, and it is primarily known for the housing the endangered species of red pandas. Birds may ring parakeets and the hill manas. Some of the other endangered species like Siberian tiger and the rare mountain goats, wo bhi yahan pe paaye jaate hain. Mysore Zoo, Karnataka. The zoo is home to a large variety of animals, including exotic species like the green anacondas and the baboons. Ye exotic species hai jo bahar se aaye hue hain, unhe yahan rakha gaya hai. Now come to the next taxonomical tool is key. What is key? It is the device used to identify each species in a group of organism based on the similarities and the dissimilarities. That is said to be the key. So the keys are based on the contrasting character. Generally वो paired में लिया जाता है. यहाँ पे contrasting characters को लिया जाता है. Contrasting बोले तो जैसे अगर कोई लंबा plant है, कोई dwarf plant है, तो long and dwarf, that is the contrasting character. So वो pair में लिया जाता है, which is said to be the couplet. It present the choice made between the two opposite options. This results in the acceptance of any one and the rejection of the other. एक accept होता है, दूसरा reject होता है. So each statement in the key is called a lead. जितने भी statement key में आते हैं वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं. Each statement, every statement in key is called lead. ये भी question पूछा हुआ है. So taxonomic aids with the help of a specimen हमने देखा. क्या देखा? With the help of a specimen, taxonomical tools are basically herbarium, botanical garden, zoological park, key, म्यूजियम, ये सारे थे. नाउ कम टू द टेक्सोनॉमिकल टूल्स विदाउट स्पेसिमेन. ओके, लेट्स सी. सर्टेन रिटन डॉक्यूमेंट्स एज वेल एज रिकॉर्डेड डिस्क्रिप्शंस लाइक द फ्लोरा मैनुअल्स मोनोग्राफ एंड द कैटलॉग्स आर यूज्ड एज अ टेक्सोनॉमिकल एड्स. यानी अभी तक हमने जो देखा उसमें एक रियल ऑब्जेक्ट प्लेस किया हुआ स्पेसिमेन के फॉर्म में था. अब टिक्शोनॉमिकल टूल जिसमें स्पेसिमेन नहीं है बट वो भी बहुत वैल्यूबल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट टिक्शोनॉमिकल टूल है जो कि हमारे टिक्शोनॉमी को अंडरस्टैंड करने में बहुत हेल्पफुल होता है. सो सर्टेन रिटन डॉक्यूमेंट्स एज वेल एज द रिकॉर्डेड डिस्क्रिप्शंस लाइक द फ्लोरा मैनुअल मोनोग्राफ कैटलॉग आर यूज्ड एज अ टिक्शोनॉमिकल एड्स. लेट्स सी वन बाय वन. फर्स्ट इज फ्लोरा. Flora contains the actual account of habitat and distribution of the plant species of a given area. This provides information regarding the different types of plant species found in a given area. Ek particular area mein various or the different kinds of species kisi plant ke agar present hai, to ye sara information aapko kahan se mil raha hai? Flora se mil raha hai. So flora are almost always designed to be simultaneously regionally constrained and regionally exhaustible complete. That means it includes all the plants and grow in that region or at least all the taxonomic division of the specified taxa. So clear? Now next is manual. Manual simply. Manual, जैसे मैंने कहा, mind में क्या आया? कुछ listing होगा. So manual helps in providing information for identification of names of species found in that particular area, and they also provide information about the key, description of the family, germplasm and the species.
इन सारी बातों का उसमें डिटेल्ड इंफॉर्मेशन दिया होता है, दैट इज मैनुअल. सो अ मैनुअल अप्लाइज मच मोर ब्रॉडली टू द प्लांट एंड टिपिकली इंस्ट्रक्ट्स यू ऑन अ सब्जेक्ट. विच काइंड ऑफ सब्जेक्ट? लाइक फॉर एग्जाम्पल identification or the differentiation of species. A manual does not need to be exhaustive and its scope is typically user defined. Okay, so however, some have used in the terms of manual to be more or less synonyms with the flora or the otherwise similar documents. Next is monograph. Mono means single, graph. So, a comprehensive systematic study of a particular taxonomic group is called taxon based, not geographical based. ये taxon based होता है, geographical based नहीं होता है. So, monographs try to review all the fact about a taxonomic group. ये सारे fact बताते हैं monograph. और से review, monograph के review से पता चलता है taxonomic group के facts के बारे में. So next is catalog. Catalog is simply a listing of all the species organized in some way, and these are usually alphabetical, taxonomical, organized like a typical flora. यानी catalog में पूरा listing होता है और एकदम recent listing. A catalog is simply a listing of the all species organized in some way. These are usually alphabetical होता है, taxonomical organized होता है, जैसे कि flora में हमने देखा. फ्लोरा में होता है. सो कैटलॉग प्रोवाइड्स डिटेल्ड इंफॉर्मेशन अबाउट द न्यू एडिशन एंड अपडेट द सीक्वेंस. द कैटलॉग्स आर आल्सो द मींस फॉर रिकॉर्डिंग इंफॉर्मेशन फॉर टैक्सोनॉमी. ओके, हियर वी कैन सी द वेरियस टैक्सोनॉमिकल टूल्स विद द हेल्प ऑफ स्पेसिमेन एंड विद द हेल्प ऑफ विदाउट स्पेसिमेन. ओके, नाउ अभी तक जो लेक्चर नंबर 1, 2, 3 में हमने जो भी स्टडी किया उसको जस्ट मैं समराइज करना चाह रही हूं कि आपने इस द लिविंग वर्ल्ड टॉपिक में क्या स्टडी किया. सो इंटायर लेक्चर को समराइज अगर करें तो हम देखते हैं व्हाट वी कैन सी हियर. वी कैन सी द लिविंग वर्ल्ड, जिसमें हमने क्या पढ़ा था, लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में पढ़ा था, और इस लिविंग ऑर्गेनिज्म में हमने उसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर्स को देखा था. साथ ही साथ हमने क्या देखा था, हमने देखा था डिफरेंस बिटवीन द नॉन लिविंग थिंग्स के साथ उसका क्या डिफरेंस है, कैसे लिविंग थिंग्स नॉन लिविंग थिंग्स से अलग है. ठीक है, फिर सेकेंड लेक्चर में हमने देखा डाइवर्सिटी इन द लिविंग वर्ल्ड, दैट इज द बायोडाइवर्सिटी, जिसमें बहुत सारी बातों पर हम लोगों ने डिस्कशन किया, लाइक टैक्सोनॉमी रिलेटेड टू द टैक्सोनॉमिक कैटेगरी की बात करें तो टैक्सोनॉमिक कैटेगरी में हमने क्या देखा था, 7 कैटेगरीज थे, स्पीसीज, जीनस, फैमिली, ऑर्डर, क्लास, फाइलम, किंगडम. लिसन, रिमेंबर, फाइलम इन द केस ऑफ द एनिमल बी यूज्ड, एंड अगर हम प्लांट्स के बारे में स्टडी कर रहे हैं, टैक्सोनॉमिक कैटेगरी की बात कर रहे हैं, तो वहां फाइलम की जगह क्या होगा, क्या होगा? यस, बिल्कुल सही आपने कहा, डिविजन होगा. बिल्कुल सही, सही जवाब. सो नेक्स्ट इज टैक्सोनॉमिकल एड विद द हेल्प ऑफ स्पेसिमेन, जिसमें हम लोगों ने आज स्टडी किया अबाउट द हर्बेरियम, बॉटनिकल गार्डन, म्यूजियम, जूलॉजिकल पार्क, कीज. ठीक है, नेक्स्ट विदाउट स्पेसिमेन, फ्लोरा, मैनुअल, मोनोग्राफ एंड कैटलॉग. तो यहां पे आपका ये द लिविंग वर्ल्ड टॉपिक फिनिश. इस लेक्चर के साथ ही द लिविंग वर्ल्ड टॉपिक कंप्लीट होता है, और नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में इसी टॉपिक से रिलेटेड वेरियस इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को सॉल्व करेंगे विद एक्सप्लेनेशन. अगर आपको मेरा ये लेक्चर पसंद आ रहा है तो प्लीज इसे लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों के बीच इसे शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. विल सी यू इन माई नेक्स्ट लेक्चर. टिल देन बाय.